की बड़ी खबर के साथ भोपाल से बड़ी खबर, जहां भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि इंदौर, ग्वालियर समेत 50 एयरपोर्ट को धमकी दी गई है। ईमेल में देश के 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का जिक्र किया गया। भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने पुलिस को सूचना दी है। ईमेल मिलते ही सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर सर्चिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान कोई भी एक्सपेक्टेड चीजें नहीं मिली है। आपको बताते चले कि कोई भी सस्पेक्टेड चीजें सर्चिंग के दौरान नहीं मिली। ऐसे में लगातार अब इस ईमेल के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इंदौर, ग्वालियर समेत 50 एयरपोर्ट का जिक्र किया गया है। ईमेल के माध्यम से ये धमकी दी गई है और देश के 50 एयरपोर्ट का जिक्र इस ईमेल में दिया गया, जिससे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बता दें कि भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने पुलिस को सूचना भी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अमृतांशी, कहीं ना कहीं ये एक डराने वाली स्थिति, फिलहाल क्या कुछ बताया जा रहा है इस पर? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उनको बम से उड़ाने की धमकी मिली। तो देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी जो है इस तरह की धमकी भरी ईमेल्स आते रहे हैं। लेकिन जैसे ही कल दोपहर में जब ये ईमेल भोपाल एयरपोर्ट की मेल पर पहुंचा, तो जो एयरपोर्ट डायरेक्टर है रामजी अवस्थी, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। हालांकि देर शाम पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं और जो सीआईएसएफ है, उन्होंने पूरे पुलिस, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ध्यान में रखते हुए पुलिस के साथ सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पे सर्चिंग की, कुछ नहीं मिला। कोई भी सस्पेक्टेड चीज जो है वो पूरे एयरपोर्ट से नहीं मिली, क्योंकि लेकिन इस तरह की ईमेल्स को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए पूरी तरह से चेकिंग की गई। हालांकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बम्पर जो एयरपोर्ट पर बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी है, उन्होंने मैनुअल चेकिंग को भी बढ़ा दिया है। जो भी अंदर आ बाहर जा रहे हैं उनकी चेकिंग को बढ़ा दिया है। लेकिन इसको पूरे मामले को लेकर कल देर रात गांधीनगर पुलिस ने धारा 507 और वायुयान अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। थाने में एफआईआर होने के साथ ही पुलिस अधिकारियों ने कल शाम को जो है वो जो एयरपोर्ट डायरेक्टर है उनके साथ जब वो चेकिंग के लिए पहुंचे, तब सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्थाओं को लेकर, संचालन को लेकर बैठक भी की। अब देखिए एफआईआर दर्ज हुई है, फिलहाल अब पता लगाया जाएगा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साइबर क्राइम के जरिए भी कि ये मेल्स कहाँ से आई थी, उनका एड्रेस ट्रैक किया जाएगा और ये मेल्स कौन भेज रहा है, इसको लेकर भी चेकिंग की जाएगी। जी बिल्कुल, बने रहिएगा अमृतांशी, आगे भी आपसे खबरों की अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे।